हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो ये मत समझना कि जिंदगी भर रहेगा, तुझे हर बार कोशिश करती रहनी पड़ेगी तब जाके ये कांस्टेंट रहेगा। It's not the character's importance or screen time. I think it's what that character is bringing to the story. True. It needs to be important, obviously. Yeah. If you're not bringing anything to the story, then it doesn't make sense me doing it, no? Hi guys, this is Fahmaan Khan and you are watching me on IWMBuzz. Hi guys, welcome to IWMBuzz and today we have Fahmaan. So firstly, big congratulations for new show. Thank you. Thank you so Krishna Mohini सुनके ही हम तो एक मोहिनी जी का अवतार जानते ही है, उससे कुछ अंदाजा लग रहा है क्या वही हमें शो में भी देखने को मिलेगा? नहीं यार, ऐसा नहीं है। बहुत अलग कहानी है, बहुत अलग किरदार है जी। जब भी आप एक नई कहानी ले आते हो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप पूरी तरह से उस चीज को समझो। पहले ही सिर्फ वो कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। I think that's very important when you're watching something, when you're bringing out something. प्रोमो में या फिर आपको पोस्टर्स में जितना दिखता है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो शायद आपको हर चीज नहीं दिखा पाते हैं। True. And I believe that Krishna Mohini is a show which is going to deal with a lot of today's issues with people. Yeah. To make people understand that not everything is just black or white. You know. कोई चीज ग्रे भी हो सकती है, कोई चीज कलरफुल भी हो सकती है। एंड वी डीलिंग विद समथिंग दैट इज कंप्लीटली टैबू इन दिस वर्ल्ड टुडे, एंड टू ब्रिंग अवेयरनेस टू दैट, एंड दिस इज व्हाट ब्यूटीफुल। आल्सो दूसरी चीज ये है कि भाई बहन के बीच में जो प्यार है और उन दोनों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग है, कैसे बहन अपनी जिंदगी की सारी चीजें छोड़ छाड़ के अपनी जिंदगी में सब कुछ सैक्रिफाइस करके एक भाई के लिए सिर्फ एक सारथी बनकर जीना चाहती है। उसकी जिंदगी सिर्फ उसी की तरह रिवॉल्व करती है। इट रिवॉल्व्स ओनली अराउंड हिम ब्रदर। एंड व्हेन समवन डज दैट, एंड वी ऑल नो दैट एवरीबॉडी हु इज फैमिली, ओनली फैमिली कैन डू दैट विद यू, है ना। एनी डे व्हाटएवर यू से, ब्लड इज थिकर देन वाटर। एंड कैसे आर्यमन अपने परिवार के लिए सारथी बनकर जीता है, उसने सब कुछ त्याग दिया अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी की सारी ड्रीम्स, अपने म्यूजिशियन होने का सपना, सब कुछ छोड़ के वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए खड़ा होता है। और कैसे अपनी सारी चीजें वो सिर्फ अपने अंदर रखता है और लोगों के सामने, अपने फैमिली के सामने स्पेशली दिखाने की कोशिश नहीं करता। व्हेन दीस टू वर्ल्ड्स कोलाइड, व्हाट हैपेंस इज व्हाट आवर शो इज ऑल अबाउट। डोंट यू फील दैट दिस टू विल बी ओवरशैडो योर कैरेक्टर? कहानी ओवरशैडो, तो कहानी कैसे ओवरशैडो कर सकती है? बात ये है कि आप अगर कर भी ले तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है जी। पता है क्यों? मेन मोटो ऑफ द कहानी है ना, व्हेन द कैरेक्टर, व्हेन द स्टोरी इज एज ब्यूटीफुल एज द स्टोरी इज, इट डजंट मैटर यार कौन हीरो, क्या हीरोइन, क्या चीजें, ये सब ना वो हमारी दुनिया ने बना चुके हैं, हम लोग बना चुके हैं इस चीज को। मैं आपको अपने पहले भी आपसे भी बात मैं कर चुका हूँ, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता चुका हूँ कि मेरे लिए कहानी हीरो है, कहानी हीरोइन है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आई एम एन एक्टर हु कम्स फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड है। थिएटर में आपको कभी हीरो के लिए खड़ा होकर नहीं करता, कोई नहीं बोल, झाड़ू मार के मैं उस स्टेज पे सोया भी हूँ, उस स्टेज पे परफॉर्म भी कर चुका हूँ। तो मैं बहुत ऐसा इंसान हूँ जिसको मुझे वो बढ़ावा नहीं चाहिए जिंदगी में। मैं जहाँ पे हूँ मैं बहुत कंटेंट हूँ वहाँ पे। तो आई बिलीव दैट देयर इज नो ओवरशैडोइंग एज लॉन्ग एज इट्स कैरेक्टर्स। वी आर ऑल प्लेइंग कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी, we're all small, like how the universe is a very big part of us, we're very big part of the solar system. Yeah, we're just small particles in that dust, hai na. So I think that's what it is, and ye kahani bahut khoobsurat hai, as you said ki agar dekhna of course ek baar main kahani puchunga definitely, main khud aungi review ke sath, nahi pata chali mujhe ki maine ek bhi episode dekha hai to main tab bataunga, main agle sawal puchunga definitely, main aungi abhi. As you said, हर कोई एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। So for you as an actor, what is the more important, whether it's the character importance or screen timing? It's not the character's importance or screen time. I think it's what that character is bringing to the story. True. It needs to be important, obviously. Yeah. If you're not bringing anything to the story, then it doesn't make sense me doing it, no? Yeah. मैं वहाँ से शुरू किया हूँ जहाँ पे किरदार कुछ नहीं था मेरे पास करने को ना यार। वैसे शोज मैंने किए हैं जहाँ पे मैं सिर्फ खड़ा ही था पीछे। I know. तो मैं वहाँ से लेकर यहाँ तक जब पहुँचा हूँ तो मैं उसी चीज को करते हुए पहुँचा हूँ कि मुझे कभी ये नहीं फील होगा कि मुझे यार हीरो ही रहना है, मुझे ही कहानी का मेन मुद्दा रहना है। नहीं, कहानी इम्पोर्टेंट है और कहानी में जो किरदार इम्पोर्टेंस ला सकता है ना, अपनी इम्पोर्टेंस दे सकता है, जो भी वो उस चीज को बेस्ट देने के लिए कोशिश कर सकता है, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। एंड इट्स नॉट स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम तो यार क्या चीज है, 10 मिनट आधे घंटे का तो शो बना रहे हो, उसमें अगर 10 किरदार डाल देंगे आप तो हर किसी को 5 मिनट थोड़ी ना दे सकते हैं आप, तो पर इट्स इम्पोर्टेंट कि यू यू गिव जस्टिस टू व्हाट यू आर डूइंग एंड दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट फॉर मी। यस यस Fahmaan, what is the change you have noticed from your starting of the day till now? What is that one change you always feel कि नो चेंज होना चाहिए और वो चेंज इम्पोर्टेंट भी है ये इंडस्ट्री के लिए? मेरी उम्र बढ़ती जा रही। I think I'm growing, which is not just age. Mentally, I'm growing. Emotionally, yeah. I'm growing. Spiritually, I'm growing. I'm very, I'm content, and I'm content where I am. I'm doing well. There's no anxiousness at this point in my life. Yeah. Yes, I want to do better. I want to do a lot of good things. I want to do a lot of different characters. But that's excitement. पहले anxiousness हुआ करती थी कि जिंदगी में जो मैं सोच रहा हूँ मैं कर पाऊंगा क्या, मैं वहाँ पहुँच पाऊंगा क्या, मैं कोशिश कर सकता हूँ क्या, मैं am I even good enough? But right now, I know that I've gotten to a certain point. From here, it's only going up. Yeah. As long as I'm going to. Hunger is the same for the. Hunger is the same. I'm as long as I'm going to keep my head on my shoulders and not get carried away with this hype. I'm good. I'm going to keep growing. Yeah. And that's the only constant. थिंग आई कीप टेलिंग माई सेल्फ कि चढ़ने मत देना सर पे, किसी चीज को सर पे चढ़ने मत देना, कोई भी है वो, आज जो हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चीजें चेंज होने वाली है, हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो ये मत समझना कि जिंदगी भर रहेगा, तुझे हर बार कोशिश करती रहनी पड़ेगी तब जाके ये कांस्टेंट रहेगा। I think this is the biggest motivation for you. It is. You gotta keep giving your best every time. You can't let it down. You can't take it for granted. You can't be lethargic about it. I cannot say tomorrow कि यार ये तो ऑडियंस है ही, अभी कौन कहाँ जाएगी। ये गलत थॉट है। ये चेंज हो गया। ये 100% बदलेगा। अगर मैं उनको if I start taking them for granted, they're gonna let go and say कि यार पागल है, कुछ नहीं आता इसको, निकालो इसको यहाँ से। बहुत इजी है। मेरे ना सेकंड्स होते हैं अब तो। फॉर अ बिगर आर्टिस्ट आल्सो, कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, you can't take it for granted. You have to take it very seriously and do your best every time. Fahmaan, what changes have you brought for this character? Lot of things. In terms of दाढ़ी वापस आ गई। हाँ। फिर मुझे लगता है कि as a personality na, he's very very sure about what he's saying, but in front of his family he does not raise his voice, you know. So Ravi ki taraf mujhe कुछ भी करने के लिए मेरे पास मौका था, मैं किसी पे भी चिल्ला सकता था, किसी पे भी हंस सकता था, कुछ भी कर सकता था, मुझे इस कैरेक्टर के लिए होल्ड बैक करना पड़ता है, फिर वापस आई नीड टू होल्ड माई सेल्फ, नॉट बिकम टू एक्सप्रेसिव. Show emotions without being too expressive again is a little part of this character, but also being expressive in terms of what he's saying. Be soft is not is something I'm doing. Trying to talk slowly because ठहराव चाहिए इस character के लिए. तो शायद मैं अभी आपसे भी बात कर रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है. पिछली बार मैंने इंटरव्यू दिया था आपको धर्मपत्नी के टाइम पर, तो मैं बहुत जोर-जोर से करके बात कर रहा था, लेकिन अभी मेरे पास वही ठहराव चल रहा है, मेरी जिंदगी में वही ठहराव चल रहा है, तो वो सब चीजें मेरी पूरी जिंदगी बदल जाती है एक कैरेक्टर को लेकर. So how is the bond with Debattama? बहुत बढ़िया है, Debattama बहुत अच्छी दोस्त है मेरी. Long since I've known her. First time we working together. I think she's a beautiful person, lovely actor, and that's a nice chemistry that we have. I'm hoping and I think people will like it a lot. Fahmaan, lastly I want to know, is there any thought for OTT? Yeah, obviously यार, क्यों नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो मैं करूँगा जरूर. OTT का हो भी रहा था इस बार कुछ, पर ये आ गया उसके बीच और मुझे थोड़ा डिसाइड करना पड़ा कि कौन सा मुझे करना है कौन सा नहीं करना है. But you chose TV? OTT वाला थोड़ा टाइम लग रहा था. और मैं घर बैठ के बोर हो चुका था. मेरा हो गया था ड्यूरेशन. 3 महीने बाद मैंने कहा भाई खत्म, अभी काम करना है मुझे. तो उनका और 3-4 महीने 4-5 महीने जा रहे थे उनको तो स्टार्ट प्री प्रोडक्शन आफ्टर 4 months 5 months. तो मैंने कहा यार अब नहीं हो पाएगा, तो आई लेट दैट बी एंड आई डिड दिस. There was buzz that you will be a part of the Khatro also. I was going to be. Khatro is something I would want to do also. But abhi show shuru ho gaya hai, so I won't be able to do it because I have to work here. But someday I will do Khatro Mein Khiladi. Sure. We want to see you in Khatro. Yeah, that's something I would love to do. Thank you so much, Fahmaan, for giving your precious time and all the best for this show. Thank you so much.